दोस्तों गुड आफ्टरनून और स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों छुट्टी हो गया है मेरा और अभी घर जा रहा हूँ। तो एक दोस्त बाइक लाया था तो आज बाइक में चलेंगे। और यही है टेक्नीशियन का जॉब, में देख सकते हैं अभी नवरात्रि का समय चल रहा है तो अभी हम लोग घूमने जाएंगे कुछ देर बाद। और तो दोस्तों यही है, मैं बात पूरा नहीं कर पाया था कि टेक्नीशियन जो जॉब है सीमित समय के लिए, अब हम लोग समय के मालिक हैं। अब तो अभी ऐसे भी नवरात्रि का समय चल रहा है तो थोड़ा सा घूमने जाएंगे। अगर दूसरा जॉब होता तो अब कब ड्यूटी लगता, क्या लगता, उसी के बारे में सोचते रहता। तो अब पूरा ड्यूटी को भुला के अभी घूमने जाना है। दुर्गा पूजा आज सप्तमी है तो फिर से एक बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। दुर्गा माँ आप लोगों का हर मनोकामना पूरी करे। और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग का फाटक है तो ट्रेन आते जाते रहती है। जब भी मैं बाइक में आता हूँ तो यहाँ फंस जाता हूँ कुछ देर के लिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पैदल आऊँ। तो फिलहाल दोस्त के साथ हैं और ये गेट खुल गई है तो चलिए। रूम पहुंच गया हूं दोस्तों। हम लोग का जो क्वार्टर है बहुत पास में है, अच्छा लगता है। रूम पहुंचे तो पता चला कि सविता देखिए पेंटिंग कर रही है। वाह, ठीक लग रहा ना अभी? मस्त लग रहा है जी, पूरा जंग लग गया था। ये अलमीरा जो ना इतना खराब हो गया था, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ड्यूटी से आने के बाद ना मस्त टाइप का सो गए एकदम, दो घंटा मजा आ गया। अब उठ के देखिए दृष्टि सोई है और उसको मैं नहीं ले जाऊंगा क्योंकि पार्क वर्क ले जाना अलग बात है, लेकिन ये मेला ले जाना संभल नहीं पाऊंगा। और सविता जा नहीं रहे है, वो भी घरे में है। तो एक समय के लिए मैं सोचा कि मैं अकेले ही जाऊं, लेकिन पास में एक दोस्त है वो बोल रहा है आई एम रेडी, तो बोल रहे हैं चलिए तब दोनों साथ मिल के चलते हैं। और कल महाअष्टमी भी है और पूजा वगैरह यहाँ पर होगा, लेकिन मेरा तो ड्यूटी है, छुट्टी मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं कैसे पूजा होगा। और दो बज जाएगा आने में, तो फिर तो तब तक तो पूजा ही ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, कोशिश करके एक बार देखते हैं, छुट्टी अगर मिलती है तो ठीक है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैं छुट्टी लिया था। दोस्तों स्कूटी मेरा है, स्कूटी में आज नहीं जा रहे हैं। ये देख सकते हैं ये दोस्त का राइडर गाड़ी है, आज इसी में चलेंगे हम लोग। मेरा देखने चलेगा आप? एकदम, हम चलाएंगे आज। और दोस्तों हम लोग राउरकेला पहुंच गए। राउरकेला सेक्टर 2 के बाद जो है एनआईटी कौन सा सेक्टर हमको उतना पता नहीं, लेकिन एनआईटी वाला हम लोग लाइन में घुस गए हैं। और देखते हैं, हम लोग को पांडल उंडल का उतना बारे में जानकारी नहीं, कहाँ अच्छा बना है, लेकिन ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगी कौन सा बेस्ट है। और भाई डेकोरेशन तो बड़ी अच्छा लग रहा है, ये क्या है? ये वाला क्या क्या सिंबल है? ये पास में है, एनआईटी राउरकेला के पास में है ये पंडाल। और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है। और आज सप्तमी का दिन है तो ज़्यादा भीड़ भाड़ा का है नहीं। आज के बाद यानी कि कल महाअष्टमी है तो अष्टमी में बहुत ही भीड़ भाड़ा का होगा ये। और एक सेक्टर 2 में ही और एक पंडाल है, वो भी बहुत ही सुंदर बना हुआ है, वहाँ गए नहीं है तो इसके बाद वहीं जाएंगे। तो थोड़ा सा और दोस्तों आज तो उतना भीड़ भाड़ा का है नहीं, तो आज मैं घूमूंगा अष्टमी। और नवमी तो हम लोग का कॉलोनी में ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ये अभी आ गए हैं सेक्टर 2 का जो मेन रोड है उसी के सामने। ये सेक्टर 2 में बहुत ही अच्छा से मेला टाइप का लगा हुआ है और बहुत सारा जो क्या बोलते हैं इसको, झूलने का आइटम है, ट्रेन में चढ़ने का, एक नाव भी है, तो बहुत सारा है, मेला जैसे लगा हुआ। लेकिन आज भीड़ भाड़ा का नहीं है, सप्तमी है इसीलिए लग रहा है। अष्टमी और नवमी को बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगी।
तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से पंडाल है यहाँ का। और ये देख सकते हैं ये बंद पड़ा हुआ है, आज कल स्टार्ट होगा, अगर दृष्टि आती तो यहाँ बैठती। और शंकर भाई किधर, चलिए सकते भाई लोग अभी भी लगा हुआ है, सप्तमी हो गया भाई, ये देखिए अभी भी पंडाल बन ही रहा है। अरे भाई सप्तमी में क्या हाल है, देख सकते हैं दोस्तों अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है और ऐसे तो आज हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही जगह पंडाल कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों बहुत ही सुंदर लगेगा। दोस्तों ये जो सेक्टर 2 में है कल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा। दोस्तों ये वृंदावन का जो प्रेम मंदिर है वही बनाया जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूर्ण तरीका से, और अभी तक देखिए करियर कितना लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, महाअष्टमी के दिन बहुत ही ठीक से पूरा हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही जगह आज कंप्लीट नहीं हुआ है और कहीं कहीं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है पंडाल। तो यहाँ जो सेक्टर 2 में है बहुत ही हर साल अलग अलग कंटेंट बनाते रहता है, इस बार प्रेम मंदिर बनाया गया है जो वृंदावन में स्थित है, और फिलहाल जो यहाँ जो बना रहे हैं कारीगर लोग, जो मिस्त्री सब एकदम लगे हुए हैं, लगे पड़े हैं अभी तक, आज सप्तमी का दिन हो गया है और उम्मीद है मुझे कि कल बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा यहाँ का लुक, और मेला भी लगा हुआ है और देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन यही कि आज तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कंप्लीट हुआ नहीं है दोस्तों। भाई कंप्लीट है जी, वो तो आज सप्तमी है ही गला, सही में बहुत भूख लग रहा है यार, चलो देखते हैं, चलो उसे क्या खाना है आप जो बोलोगे वही खाएंगे आज, कोनो बात नहीं, ये कोनो बात हुआ क्या, आज आपके अनुसार खाना है, आपके अनुसार खाना है। दोस्तों ये अभी है टेक्नीशियन में ही है और अभी हाल ही में ग्रेड 1 हुआ है यानी कि टेक्नीशियन 1, और पार्टी वटी दिया नहीं है, देगा बहुत ही जल्दी। और तो भाई थोड़ा सा बता दीजिए टेक्नीशियन का जॉब कैसा है, अच्छा है अगर सेट मिला तो बहुत अच्छा है, नहीं मिला तो थोड़ा कठिन होगा। सेट में यही है कि मतलब क्या खेलते खेलते काम हो जाता है और एक्स्ट्रा अलाउंस कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं वही है दोस्तों। आज बोले थे कि मेला में कोई ड्यूटी वाली बात नहीं होगी, लेकिन हो ही जाता है, जॉब का थोड़ा सा बात बीच में आ ही जाता है। तो हम लोग तो खूब मजा कर रहे हैं राउरकेला में, और इस बार आप लोग भी NTPC में जम के तैयारी कीजिए, फिर टेक्नीशियन LLP में, और आइए हमारे रेलवे परिवार में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ उतना मज़ा नहीं आ रहा दोस्तों, और आज दृष्टि को भी लाने से हो जाता लेकिन नहीं लाए, भीड़ भड़ा का होगा बोल के। और अभी और एक जगह जाना है और एक पंडाल देखना है, इसके बाद बस घाट में था तो चलाया था एक बार, और बहुत दिनों के बाद ये वाला चला रहे हैं। देखिए पूरा राहुल किला जगमग करता हुआ, और यही था जो सेक्टर 2 में पंडाल, जो प्रेम मंदिर बनाया गया है वृंदावन का। और फिलहाल हम लोग सेल का जो गलियों में भटक रहे हैं और देखते हैं और एक पंडाल अटेंड करेंगे, वहाँ का
क्या स्थिति है? ऐसे तो आज सप्तमी का दिन में आप लोग बार बार बता रहे हैं कि पंडाल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और भीड़ भड़ा का भी नहीं है। हम लोग पहुंच चुके हैं सेक्टर 20। तो दोस्तों माता का दर्शन अभी तक नहीं हुआ है, मुख जो माता का मुख ना खुला नहीं है। देखते हैं यहाँ पर खुला है कि नहीं, ये सेक्टर 20 में। और ये डकोटा जो बीजू पटनायक चलाए थे वही वाला देख के पार होना भाई। तो यहाँ बनाया गया है कलिंगा एयरलाइंस। दोस्तों ये बनाया गया है राउरकेला में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सेक्टर 20 में डकोटा कलिंगा एयरलाइंस, इसी में बीजू पटनायक जो युद्ध के समय एकदम नीचे नीचे उड़ा के ले गया था, और टॉल मैन उसको कहा जाता है, बीजू पटनायक जो उड़ीसा के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनके पिताजी। और सबसे राउरकेला में सुंदर लगा यही वाला। टाटा में बहुत बड़ा बड़ा पंडाल है, लेकिन ऐसा भव्य पंडाल जो किसी की स्मृति किसी की याद में बनाया गया है, वो भी कलिंगा एयरलाइंस। देखिए द टॉल मैन, द डकोटा, इसी में सफर किए थे युद्ध के समय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक के पूज्य पिताजी बीजू पटनायक। वाह बहुत सुंदर लग रहा है यार, ये कैसे दबा रहा है देख सकते हैं। भी खा लेते हैं यार, तब अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा इतना यार, खाए जाओ। आज पूरा आज खाने का ही दिन है, मेला एकदम लगा नहीं है। अच्छा जाने दे रहा अंदर, आज पंडाल खुला है? नहीं मालूम, पूरा दबाया जा रहा है। भुक्कड़ हम भी है। और दोस्तों देख सकते हैं पंडाल तो हम लोग बहुत सारा देखे हैं, 3 अभी तक देख लिए, लेकिन अभी तक माँ का दर्शन नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ दर्शन हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आज सप्तमी हो चुका है। फिर भी माँ दुर्गा, दोस्तों अभी माँ का मुख नहीं खुला है और शायद आज ही रात को खुल जाएगा या कल शाम को। और ये देख सकते हैं हमारे 2020 धुरंधर वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। ये देखिए जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, ऋषभ, विराट कोहली, इधर है हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, जडेजा, अर्शदीप, और ये दुबे जी, स्काई और अक्षर पटेल। ये हॉकी स्टार भी है, देखिए सुमित है, श्रीजेश है, और ये है हम लोग का जो स्टार जर्मन प्रीत, ललित, विवेक, अमित, हरमनप्रीत, हार्दिक, और इस प्रकार से सब है। दोस्तों ये सेक्टर 20 का ना यूनिक रहता है, और ये जो खाली स्पेस देख रहे हैं यहाँ रनवे बनेगा, और इंडिया एयरलाइंस से क्या आएंगे जी, चार लेडीज, हाँ इंडिया एयरलाइंस से 4 लेडीज, हाँ यहाँ पर ड्यूटी के लिए CISF का जवान आएगा। नहीं नहीं वो एयरलाइन से भी आएंगे, रनवे में रहेंगे ना। तो दोस्तों हम लोग 3 जगह देखे, यहाँ सबसे अच्छा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।